हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शशि और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। पैरों में जलन एक आम समस्या हो गई है और घर में किसी न किसी एक व्यक्ति को ये पैरों की जलन की समस्या होती ही है, जिसे डॉक्टरी भाषा में जो है बर्निंग फीट सिंड्रोम भी कहते हैं। और पैरों में जलन होने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो तंत्रिकाओं की जो समस्या है उनके वजह से भी जो है पैरों में जो है जलन होती है। अक्सर जो है मधुमेह के रोग के जो शिकार होते हैं व्यक्ति, उनको जो है पैरों में जलन होती है। या तो फिर आपके जैसे यूरिक एसिड का बढ़ जाना, कैल्शियम या विटामिन बी की कमी के वजह से भी जो है पैरों में जलन होती है। कई बार तो मौसम के वजह से या डायबिटीज़ के कारण भी जो है ये पैरों में जलन होता है। पैरों में जलन अगर होता है तो ना आप रात को चैन से सो पाते हैं और ना ही आपको आराम मिलता है। पैरों की जलन को शांत करने के लिए तो बार बार कभी आप पैर धोते हैं तो कभी गीले कपड़े को भी पैर में लपेटने की नौबत आ जाती है, या तो फिर पूरी शरीर को आप ढक के रखते हैं लेकिन पैरों को बाहर निकाल के रखते हैं। तो पैरों की जलन जो है बिल्कुल परेशान करने वाला, ये मामूली सा चीज़ आपको लग रहा होगा लेकिन बहुत परेशान करने वाली ये समस्या है। और आप कहते हैं कि रात को अगर अच्छी नींद नहीं आएगी तो उसके अलावे और भी जो है कई बीमारियों का शिकार आप हो सकते हैं। तो ऐसे में जो है पैर की जलन को किस तरह से जो है हम ठीक कर सकते हैं घरेलू उपचारों के जरिए, तो इसमें जो है सबसे पहले देखिए, अगर पैरों में जलन और खुजली हो रही है तो ये हल्दी ले लीजिए और थोड़ा सा उसमें नारियल तेल मिला लीजिए। पैरों में जलन में है या खुजली है, दोनों में से कर सकते हैं ये उपाय। और ये नेचुरल चीज़ें हैं अपनी रसोई में, हर किसी के रसोई में घर में ये चीज़ें आसानी से उपलब्ध होती हैं। तो आपको लेना है हल्दी और नारियल तेल, दोनों को मिलाना है और मिलाने के बाद से आपको पैर के तलवे में जो है ना आपको हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है। और कभी कभी पैर के तलवे में तो जलन होता ही, हाथों के में भी जो हथेली में उसमें भी जलन होती है, तो वो उसमें भी जो है आप लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो जलन और इन्फेक्शन को भी कम करता है। इसके साथ जो है आपको क्या करना है कि खूब पानी पीना है। गर्मी में शरीर को जो है ना हाइड्रेट करके रखना बहुत ज़रूरी है। इस मतलब शरीर में जो है पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है पैरों के जलन को आप शांत कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका और है कि चंदन के पाउडर और थोड़ा सा गुलाब जल, चंदन का पाउडर आपको इजिली ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा या ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। चंदन का पाउडर लेना है और उसमें थोड़ा सा जो है गुलाब जल जो है मिला लेना है। दोनों ठंडी तासीर के हैं और दोनों जो है स्किन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो चंदन का पाउडर और गुलाब जल मिलाकर इसका एक लेप बना लेना है और उसको उसी जगह पे लगाना है जहां पे अगर आपकी खुजली हो रही है वहां पे, या तो फिर जलन हो रहा है तो वहां पे जो है आपको लेप के जैसे इसको लगाना है। और सूखने के बाद जब लेप जैसे सूख जाए तो सूखने के बाद से आपको जो है इसे ठंडे पानी से धो लेना है। तो चंदन का लेप का अगर रोजाना इस्तेमाल आप करते हैं ना तो खुजली की समस्या या पैर में जलन की समस्या जो है ये तुरंत दूर चली जाएगी, भाग जाएगी। दूसरा एक और उपाय आप कर सकते हैं कि तिली का तेल जो आता है, तिली का तेल जिससे हम पूजा पाठ के लिए भी यूज़ करते हैं, और तिली का तेल बहुत ही लाभदायक होता है पैरों के जलन के लिए। तो तिली का तेल का जो है आप पैर में जो है मसाज कर सकते हैं और उसको पैर के जलन को जो है शांत कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो ये दो तीन घरेलू उपाय बताए हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप इसको करके देखिए और अपना फीडबैक, अपना एक्सपीरियंस जरूर अपना कमेंट में कीजिए। और अगर कुछ बातें रह जाती हैं या कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को जो है लाइक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।